दोस्तों मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेमैटिक कसम आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वन वे स्विच और टू वे स्विच में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा वन वे स्विच होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं और जो टू वे स्विच होता है उसमें टर्मिनल तीन होते हैं। इसमें होता क्या, जैसे वन वे स्विच का यूज किस तरीके से करते हैं, तो वन वे स्विच में होता क्या, ये ठीक है, ये दोनों जो टर्मिनल होते हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, जब हम स्विच ऑन, ठीक है, जैसे ये स्विच अभी हमारा ऑफ कंडीशन में है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हम अगर हम यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, ये एक स्विच है, तो ये स्विच का एक टर्मिनल, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कुछ वायर डालते हैं, फेज का वायर या न्यूट्रल का, ठीक है, अगर हम फेज का वायर यहाँ पे दिए हम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फेज का वायर देते हैं तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फेज का जो करंट होगा वो कहाँ होगा, वो अगर हम नीचे टर्मिनल दे रहे तो हमारा नीचे में रुका हुआ होगा, पर जैसे हम इसे स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ये नीचे में दिया हुआ है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो फेज यहाँ पे इन कर रहा था, अब ये क्या होगा, यहां से आउट भी करेगा। ठीक है, तो हमारा जो वन वे स्विच में होता क्या है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं रहते। कनेक्ट कब होता है, जब इसे हम ऑन करते हैं, ऑन करने पे क्या होता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में ये शॉर्ट कर जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये इस यहां से आउट कर जाता है। बहुत सारे जगह पे क्या होता है, ये ऊपर टर्मिनल में भी फेज देते हैं लोग, इस टर्मिनल में फेज देते हैं, इसमें कंडीशन में क्या होता है, ये आउट यहां से करता है। इसमें क्या होता है, आप ऊपर से फेज दीजिएगा तो नीचे से आउट करेगा, नीचे से फेज दे रहे तो आप क्या होगा, ये ऊपर टर्मिनल से आउट करता है। ये हमारा वन वे स्विच में होता है। सेम अगर हम टू वे स्विच में देखा जाए, तो टू वे स्विच में हमारा ये तीन टर्मिनल होते हैं, तो इसमें जो बीच वाला टर्मिनल होता है, ठीक है, ये जो टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल हमारा कॉमन होता है। ठीक है, ये टर्मिनल हमारा कॉमन होता है। तो ये टर्मिनल क्या है, देखिए, अगर ये अभी हम मेरा सीधा कंडीशन में, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, जैसे ये अभी ऑफ में है, ऑफ मोड में क्या है, ये कॉमन है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट है। ठीक है, बल्कि ये हमारा वन वे स्विच में नहीं था, टू वे स्विच में क्या है, ये दोनों आपस में अभी कनेक्ट है। हम जैसे ऐसे करते तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो होता क्या, जैसे देखा जाए तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसको एक हम मान लेते हैं एल वन और इसको मान लेते हैं हम एल टू। ठीक है, हम यहां पे अगर फेज का वायर देते हैं, ये हमारा फेज का वायर आया। ठीक है, तो फेज का वायर अगर हमारा इस कंडीशन में है, ठीक है, ऐसा ऑफ मोड में है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। ठीक है, ये वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में अभी कनेक्ट है। ठीक है, ये अभी ऑफ मोड में है, तो क्या होगा, हमारा जो फेज यहां से इन कर रहा था, अब क्या होगा, अब ये यहां से आउट भी करेगा, यही इस टर्मिनल से हमारा आउट करेगा। अगर हम सेम इसको इस कंडीशन में डाल देते हैं, ठीक है, ये अगर में है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट रहेंगे। ठीक है, ये अभी ऑफ मोड में आया, उस समय ऑन मोड में था। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसमें टू वे स्विच में ऑफ ऑन का कोई मैटर नहीं करता, ये दोनों टर्मिनल में करंट फ्लो करता ही है। तो हमारा क्या होगा, देखिए, ये टर्मिनल ये कंडीशन में, जब यहां पे ऐसे स्लाइड रहेगा, ठीक है, सिंपल सा थ्योरी है, जब यहां पे ये उठा रहे तो क्या होगा, यहां से डिस्कनेक्ट रहेगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेगा। ये जैसे कंडीशन में आएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या हमारा इस मोड में, तो ये दोनों कनेक्ट है और ये जो हमारा है ये यहां से डिस्कनेक्ट हो गया है। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में अगर ये टर्म है, तो हमारा फेज यहां से इन करेगा और यहां से आउट करेगा इस टर्मिनल से। तो एग्जांपल के लिए क्या किया मैंने, दो बल्ब लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर सिंगल फेज में हमको देखा जाए, तो इसको क्या, इस बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पहला जरूरत पड़ेगा फेज, दूसरा जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल। तो अगर हम देखा जाए, हमारा इस स्विच में अगर ये स्विच हम यहां पर रखते हैं, तो हमारा फेज आ रहा और इसको न्यूट्रल देना हमको, तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल का वायर लेके आए, सपोज ये न्यूट्रल हमारा, ठीक है, ये न्यूट्रल लेके आए और हम यहां पे दे दिए, तो इस बल्ब में न्यूट्रल पहुंच गया। अब हमको फेज देना, तो हम क्या करेंगे, हमारा फेज कहां पे आया, ये स्विच में आया। ठीक है, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम एक वायर लेके आएंगे यहां पे। ठीक है, अब यहां पे लेके आ गया, तो क्या हो गया, इस बल्ब में हमारा न्यूट्रल पहुंचा हुआ, जैसे स्विच ऑन करते हम, ठीक है, जैसे ये टर्मिनल में तो हमारा फेज आया हुआ यहां पे, ठीक है, ये फेज आया हुआ, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा और ये फेज हमारा यहां से सप्लाई होते हुए ये वायर के थ्रू, ठीक है, इस बल्ब में पहुंच जाएगा, तो ये होल्डर हमारा जलने लगेगा। ठीक है, सेम अगर हमारा टू वे स्विच में आया जाए, तो टू वे स्विच में क्या होता है, इस बल्ब को भी जलने के लिए फेज न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, इसको भी जलने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो एक में फेज एक में न्यूट्रल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर यहां पर फेज का वायर लेके आए हुए, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर भी लेके आ जाते हैं। ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया, तो न्यूट्रल का वायर हम लेके आए, तो यहां पे हमको तो ये टू वे स्विच में न्यूट्रल का जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, इस होल्डर में लेके आते हैं सीधा। तो हम एक वायर यहां पे लेके आ गए, इस होल्डर में न्यूट्रल,
सेम यहां से एक लूप बना के हम ले गए यहां पे न्यूट्रल, तो ये दोनों होल्डर में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। अब फेज मिलने से चलेगा, तो हमारा फेज क्या, हम टू वे स्विच का यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वन वे स्विच का यूज करते तो हम क्या करते, यही वायर हम इन दोनों टर्मिनल में ले आते। अगर यहीं से हम लूप बना के एक यहाँ पे देते एक यहाँ पे देते तो अलग था, तो क्या होता है एक स्विच से दोनों हमारा चलता है यहां से। अगर ये वन वे स्विच रहता है, हमारा टू वे स्विच है, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एक टर्मिनल में हमेशा ये टर्मिनल क्या होगा, एक में हमारा बल्ब जलेगा एक में नहीं जलेगा, क्योंकि हमारा फेज है। तो अगर हम इस मोड में रहेगा तो हमारा यहाँ पे करंट रहेगा ही, अगर ये मोड में रहेगा तो हमारा यहाँ पे करंट रहेगा, मैंने दो में रहना ही है, ठीक है। एक तो हमारा ये कॉमन है, इसमें हमेशा फेज का करंट रहेगा। अगर हम ये कंडीशन में रखेंगे तो क्या होगा, हमारा ये दोनों आपस में शॉर्ट रहेगा तो हमारा फेज यहाँ पे रहेगा, अगर ये मोड में डाल देंगे तो हमारा फेज यहाँ पे पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग जब करने का रहेगा तो हम एक वायर, ठीक है, नीचे टर्मिनल से हम क्या करते हैं एक वायर को यहाँ ले आते हैं यहाँ पे इस होल्डर में, और एक ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले आते हैं इस होल्डर में। तो इसमें क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन क्या करना है इसमें, अगर हमारा ये ऑन मोड में रहेगा, ठीक है, ऑन मोड में रहेगा तो क्या होगा, हमारा ये वाला बल्ब जलेगा, क्योंकि हमारा देखिए न्यूट्रल यहां पहुंचा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल हमारा यहां पहुंचा हुआ है, यहां भी न्यूट्रल पहुंचा हुआ है इस होल्डर में। हमारा जो फेज का करंट है वो यहां पे आया इस टू वे स्विच का बीच टर्मिनल में, ठीक है। ये मोड में क्या होगा, ये दोनों आपस में शॉर्ट है तो क्या होगा, फेज हमारा यहां से इन करते हुए यहां से आउट करेगा, ये भी सेकंड वाला टर्मिनल से आउट करते हुए हमारे इस होल्डर में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा होल्डर जलेगा इस कंडीशन में, अगर ये मोड में है, ठीक है। अगर हम सेम इसको इस तरीके से कर देते हैं तो क्या होगा, ये दोनों का जो कनेक्शन था वो कट जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों जब आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, जो हमारा फेज का करंट है यहां से आके अब यहां पे कनेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा, यहां से होते हुए अब यहां पे आउट कर रहा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा, ठीक है। और ये जो बल्ब जल रहा था ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा उस कंडीशन में नहीं जलेगा और ये बल्ब हमारा जलेगा। फिर ये मोड में डाल देंगे तो ये बल्ब हमारा बुझ जाएगा और ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो ये होता है टू वे, जो हमारा वन वे स्विच है उसका यूज। तो टू वे स्विच का यूज अधिकांश हमारा सीढ़ी वायरिंग में होता है, और सीढ़ी वायरिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा बनाया, वो होगा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके टू वे स्विच का जो वायरिंग होता है वो एजीवे में देख सकते। आज का विशेष जो था हमारा टू वे और जो वन वे स्विच होता उसके बारे में था। चलिए, धन्यवाद।